4.7 का बच्चों टॉपिक जो है ना, हम जैसे अगर ऑर्डर में जा रहे हैं तो ज्योमेट्रिक सीक्वेंस हमने पढ़ ली है, फिर हमने ज्योमेट्रिक मीन पढ़ ली है, अब वक्त आ गया कि ज्योमेट्रिक सीरीज पढ़ने का, और ये आखिरी एक्सरसाइज होगी ज्योमेट्रिक के ऊपर। उसके बाद बाकी दो एक्सरसाइज जो है वो तो हार्मोनिक के ऊपर हो जाएंगे। तो सबसे पहला टॉपिक यहाँ पे है कि ज्योमेट्रिक सीरीज। ज्योमेट्रिक सीरीज का मतलब क्या होता है, जैसे आपने अरिथमेटिक के बारे में पढ़ा था, आपने अरिथमेटिक में पढ़ा था कि अगर आपके पास कोई अरिथमेटिक सीक्वेंस गिवन है, आप उस सीक्वेंस के जो भी टर्म्स हैं उनको आपस में ऐड कर दो तो वो अरिथमेटिक सीरीज कहलाएगी। सेम चीज ज्योमेट्रिक के अंदर भी होता है। जो स्टैंडर्ड फॉर्म है ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की वो है ए ए आर, इसी तरीके से ए आर स्क्वायर अप टू ए आर की पावर एन माइनस वन, इसको आप कहते हो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। अब अगर आप इनके टर्म्स को आपस में ऐड कर दोगे तो वो ज्योमेट्रिक सीरीज बन जाएगी। सबको आपने आपस में ऐड कर देना है, तो अब ये बन गई ज्योमेट्रिक सीरीज। तो ये तो हो गया ज्योमेट्रिक सीरीज, लेकिन आपने करना क्या होता है ज्योमेट्रिक सीरीज का, देख के आपको लग रहा है कि सम मालूम करना होगा आपने। जैसे अरिथमेटिक सीरीज है, अरिथमेटिक सीरीज से मालूम क्या करोगे आप, उसका सम मालूम करोगे। इसी तरीके से ज्योमेट्रिक में भी आपने क्या करना है, किसी तरह इसका सम मालूम करना है। अच्छा, इसका भी फॉर्मूला है, इसकी भी डेरिवेशन बुक में लिखी हुई है, लेकिन इसके फॉर्मूले की मुझे हिस्ट्री नहीं पता, जैसे अरिथमेटिक सीरीज की हिस्ट्री थी पूरी, तो दैट्स व्हाई मैं डिराइव नहीं करवा रहा। बुक में डेरिवेशन मौजूद है, आप देख लेना, अगर कुछ चीज ना समझ आए तो मुझसे पूछ लेना। तो जो पूरी अरिथमेटिक सीरीज, सॉरी ज्योमेट्रिक सीरीज है, इसके सम का फॉर्मूला बुक ने डिराइव करवाया है, जाके देख लेना। फॉर्मूला होता है ए मल्टीप्लाई आर की पावर एन डिवाइडेड बाय आर माइनस वन, ये पूरा फॉर्मूला होता है। असल में बेसिक फॉर्मूला यही है। अब हरकत की ये भी है कि बुक ने दो फॉर्मूले बनाए हैं, उन्होंने बोला हुआ है कि यार जब आर ग्रेटर देन वन होगा तो आपने ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, और अगर आर लेस देन वन होगा तो आपने ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। ये दोनों एक ही फॉर्मूले हैं, अगर आप ऑब्जर्व करो एक ही फॉर्मूले। आप यहाँ पे न्यूमिनेटर से जब माइनस कॉमन लोगे ना तो ये वन माइनस आर की पावर एन हो जाएगा, इसी तरह डिनोमिनेटर से जब इन दोनों टर्म से माइनस कॉमन लोगे तो ये वन माइनस आर हो जाएगा। जो ऊपर माइनस कॉमन लिया था और जो नीचे माइनस कॉमन लिया था उसको कैंसिल करना तो ये फॉर्मूला बन जाएगा। तो कहने का मतलब ये वाला फॉर्मूला और ये वाला फॉर्मूला सेम ही है, बस आपने ऊपर और नीचे माइनस कॉमन लेके सिंप्लीफाई करके दूसरा फॉर्मूला बना दिया। और उन्होंने बोला भाई कि आर जब वन से ग्रेटर हो तो ये यूज करो, लेस देन वन हो तो ये यूज करो। तो आप इनमें से कोई एक फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो, चाहे आर की कोई भी वैल्यू हो, इसमें कोई मना नहीं है कि आर की वैल्यू ग्रेटर देन वन होगी तो आपको लास्ट भी ये यूज करना है। जब दोनों चीजें एक ही है तो उसमें कोई शर्त नहीं होगी, आपकी मर्जी, आप कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकते हो। लेकिन अब बुक हमने लिखा हुआ क्यों है, उसकी वजह यह है कि आसानी होगी आपके लिए। आसानी इन द सेंस कि अगर आर ग्रेटर देन वन है और अगर आप ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे तो जब आप वन से ग्रेटर को वैल्यू पुट करोगे ना तो नेगेटिव आ रहा होगा, नीचे भी ऊपर भी नेगेटिव आ रहा होगा। तो बुक वालों ने बोला कि यार बेहतर है कि आप ये वाला फॉर्मूला यूज कर लो ताकि डिनोमिनेटर भी पॉजिटिव रहे, न्यूमिनेटर भी पॉजिटिव रहे। इसी तरह अगर जो आर है वो लेस देन वन होगा और आप ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे तो देखो यहाँ पे वन से छोटी कोई चीज पुट करोगे तो जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे वन से तो आंसर नेगेटिव आ रहा होगा। तो बुक ने कहा ये वाला फॉर्मूला यूज करने के बजाय ये वाला यूज कर लो, कैलकुलेशन थोड़ी आसान हो जाएगी, फर्क भी पड़ेगा आंसर पे, लेकिन अपनी आसानी के लिए अगर आर ग्रेटर देन वन है तो ये वाला यूज कर लेना, आर लेस देन वन है तो ये वाला यूज कर लेना। और ये बात एमसीक्यूज में अगर पूछेंगे तो एमसीक्यू तो आपका गलत हो सकता है अगर आपने एक ही फॉर्मूला याद किया हो, क्योंकि एमसीक्यूज में सवाल पूछा जा सकता है कि आर अगर लेस देन वन होगा तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं, तो आपको फिर ये बताना होगा पूरा। तो बेहतर है याद कर लो, ऐसे कोई मुश्किल चीज नहीं है, एक ही चीज है, उसको बस आपने ऊपर और नीचे बस चेंज कर दिया है तो दूसरा फॉर्मूला बन गया, एक ही बात है। तो ये होता है ज्योमेट्रिक सीरीज का फॉर्मूला। आपको पता है आपको फर्स्ट टर्म पता होनी चाहिए, आपको कॉमन रेशियो पता होना चाहिए, और आपको नंबर ऑफ टर्म पता होनी चाहिए कि कितनी टर्म्स का आप सम मालूम कर रहे हो, आप पुट करोगे आपके पास डायरेक्ट सम आ जाएगा। जैसे आपने अरिथमेटिक सीरीज में देखा था हमने दो फॉर्मूले सीरीज के डिराइव करवाए थे, एक तो फॉर्मूला इस टाइप का था, दूसरा फॉर्मूला था इसमें लास्ट टर्म आती थी। सेम वही काम आपने यहाँ पे भी करना है कि हम सीरीज का एक और फॉर्मूला भी बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये फॉर्मूला है ना, इसको मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करता हूँ, मैं इसको इस तरह लिख देता हूँ, ए को मल्टीप्लाई करो नीचे जो हो जाएगी, ये जो ऊपर ए आर की पावर एन है ना, मैं इसको इस तरह भी लिख सकता हूँ, आर ए की पावर आर एन माइनस वन। क्या किया मैंने यहाँ पे, देखो पहले आर की पावर एन थी यहाँ पे, मैंने क्या किया, मैंने अपनी तरफ से आर की पावर में माइनस वन कर दिया, तो कंपनसेट करने के लिए मैंने एक और आर साथ लिख दिया। बात हुई है, जब ये आर और ये आर की पावर एन माइनस वन मल्टीप्लाई होंगे ना तो बेसिस दोनों की सेम है,
इसकी पावर वन है, इसकी पावर एन माइनस वन है, तो वन से माइनस वन कैंसिल होगा, दोबारा आर की पावर एन आ जाएगी। तो मैथमेटिकल मैंने कुछ चेंजिंग नहीं की, हाँ लिखने का तरीका अलग है, लेकिन बात एक ही है इसमें और इसमें कोई फर्क नहीं। ये करने का फायदा ही हुआ कि अगर आप ये देखो ना, ए आर की पावर एन माइनस वन, ये फॉर्मूला होता था जनरल टर्म का, ज्योमेट्रिक की जनरल टर्म का फॉर्मूला ही होता था ए आर की पावर एन माइनस वन, जिसको आप टी एन भी लिख सकते हो, मैंने कहा था टी एन भी आप लिख सकते हो, ए एन भी लिख सकते हो, और यहां पर मैंने बोला था कि एल भी लिख सकते हो, एल फॉर लास्ट टर्म, हम इसको लास्ट टर्म के मानों में भी यूज कर सकते हैं। तो जो ए आर की पावर एन माइनस वन है, इसकी जगह आप एल पुट कर दो तो ये हो जाएगा आर एल माइनस ए अपॉन आर माइनस वन। तो ये एक और फॉर्मूला है जो आप लोगों ने डिराइव करवा लिया, एक फॉर्मूला ये है और एक फॉर्मूला ये है। अगेन इस फॉर्मूले में भी आप शर्त लगा सकते हो कि अगर आर ग्रेटर देन वन हो तो आपने ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, और अगर आर लेस देन वन हो तो आपने फिर ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। तो बेसिकली है तो दो फॉर्मूले, लेकिन बुक ने इसको चार फॉर्मूले बनाए हैं। कॉन्सेप्ट भी मैंने आप लोगों को समझा दिया, याद करना कैसे मुश्किल नहीं है, एक फॉर्मूला याद कर लो, एक फॉर्मूला याद कर लो। इसका बाय द वे बुक में क्वेश्चन मिल जाएगा, पहला वाला क्वेश्चन में शायद इस्तेमाल हो, ज्यादातर आपने ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करना। ये एक्सरसाइज का तकरीबन ये समझ लो तीन चार टॉपिक है, उसमें से एक टॉपिक आपने पढ़ लिया, दो तीन सवाल आप आसानी से कर सकते हो इस टॉपिक से। तो हम जरा क्वेश्चन करते हैं, फिर जो नेक्स्ट टॉपिक है उस पर बाद में आ देंगे। यहाँ तो कोई सवाल है तो पूछ लो। क्वेश्चन नंबर 1.4.7 में आपको पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2, पार्ट नंबर 3 में सेम ही किस्म के सवाल है, कोई ऐसा मसला नहीं है। इन सवालों में कॉमन चीज क्या है कि आपको लास्ट टर्म दी गई है, हर सीक्वेंस में अगर आप देखो लास्ट टर्म आपको दी गई है, तो जाहिर सी बात है इस पर आप दूसरा फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो और पहला वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हो, लेकिन पहले आपको एन निकालना पड़ेगा। मैं बता देता हूँ इसमें से, फॉर एग्जाम्पल हम पार्ट नंबर 1 ही ट्राई करते हैं, फ्रैक्शन है उसमें, पार्ट 2 भी ईजी है, पार्ट 3 भी ईजी है, कोई मसला नहीं। पार्ट 1 को देख लेते हैं, एक सीरीज गिवन है जिसको हम SN कह देते हैं, इसके सम को, ये सीरीज गिवन है। सबसे पहले बच्चों अगर पेपर में सवाल आ रहा है तो आपने सबसे पहले तो ये तसल्ली करनी है कि वाकई ये ज्योमेट्रिक सीरीज है, कौन सी सीरीज है ये। जब तसल्ली हो जाए उसके बाद आप ज्योमेट्रिक का फॉर्मूला लगाओगे। ज्योमेट्रिक पहचानने का काफी आसान तरीका होता है, हर नंबर से आप मल्टीप्लाई कर रहे होते हो, तो आपको देखने में लग रहा है 1 को 1/2 से मल्टीप्लाई करो तो ये चीज आ जाएगी, इसको 1/2 से मल्टीप्लाई करो 1/4, तो एक ज्योमेट्रिक है, आप रेशो भी निकाल के देख लो 1/2 आ रहा है, तो ज्योमेट्रिक में तो कोई शक नहीं है कि ज्योमेट्रिक ही है। अब यहाँ पे आप दो फॉर्मूले यूज कर सकते हो, एक पहला फॉर्मूला जो मैंने आप लोगों को करवाया था उसमें अगर देखो ए आता था, आर आता है जो आपको पता है, तीसरी चीज थी एन, एन आपको यहाँ पे नहीं पता। तो अगर आप पहला वाला फॉर्मूला यूज करना चाह रहे हो तो पहले आपको एन मालूम करना पड़ेगा, एन का मतलब नंबर ऑफ टर्म, इस सीरीज के अंदर कितने नंबर ऑफ टर्म है, और नंबर ऑफ टर्म मालूम करना कोई मुश्किल बात नहीं है। फॉर्मूला सिंपल क्या है, टी एन इज इक्वल टू ए आर की पावर एन माइनस वन। तो टी एन जो है, जो जनरल टर्म गिवन है आपको, लास्ट टर्म भी आप कह सकते हो, 1/5 है, यहां भी पुट कर देना, फर्स्ट टर्म पता है, आर पता है, यहां से आप एन निकाल सकते हो, और जैसे ही आपके पास एन आ जाएगा तो वो आप सीरीज के फॉर्मूले में पुट करना, आपके पास सम आ जाएगा। लेकिन लंबा वाला तरीका है, जब आपको लास्ट टर्म पता है तो जो लास्ट टर्म वाला फॉर्मूला हमने डिराइव किया है तो अक्लमंदी ये है कि आप वो वाला इस्तेमाल कर लो फॉर्मूला, कैलकुलेशन आपके आसान हो जाएंगे, तो हम वही वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं। वो वाला फॉर्मूला क्या है, आर एल माइनस ए अपॉन आर माइनस वन। ये फॉर्मूला उसको होता है जब आर ग्रेटर देन वन हो, तो हम चलो आर लेस देन वन है ना यहाँ पे, तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, ए माइनस आर एल डिवाइडेड बाई वन माइनस आर, और आप लिख देना कि एज आर जो है वो लेस देन वन है, दैट्स व्हाई ये फॉर्मूला उस पर यूज करते हैं। अब सवाल में ए क्या है, सवाल में फर्स्ट टर्म 1 है, कॉमन रेशियो क्या है यहाँ पे 1/2 है, और लास्ट टर्म यहाँ पे क्या है 1/512। तीनों चीजें गिवन है आपको, यहाँ पे सम निकालना है, तो निकाल लेते हैं सम। फर्स्ट टर्म की जगह 1 पुट कर दो, अच्छा जी आर है यहाँ पे 1/2, लास्ट टर्म है यहाँ पे 512, नीचे हो जाएगा 1 - r, r मतलब 1/2। तो सॉल्व करो कैलकुलेटर में, आपके पास डायरेक्ट आंसर आ ही जाएगा। एक सिंप्लीफिकेशन हो सकती है, 2 को 512 से मल्टीप्लाई करोगे 1024 होगा, तो 1024 को 1 से करो और माइनस कर दो इस 1 से, तो 1023 डिवाइडेड बाय 1024, एलसीएम जो है वो 1024 आ रहा होगा, डिवाइडेड बाय जब 1 से 1/2 करोगे तो ये 1/2 हो जाएगा। ये कैलकुलेटर नहीं है इसलिए मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ इस तरह, तो ये 512 हो जाएगा यहाँ पे। तो सिंपल आपके पास सम आ जाएगा यहाँ पे 1023 डिवाइडेड बाय 512। बेहतर है कि अगर आप ये कैलकुलेशन खुद कर सकते हो तो खुद करो पेपर में भी, लेकिन अगर आपकी कैलकुलेशन थोड़ी वीक है तो फिर आप कैलकुलेटर इस्तेमाल कर लो,
लेकिन अगर खुद भी कर रहे हो ना तो कैलकुलेटर वेरीफाई कर लेना, क्योंकि मैथ के पेपर में टाइम होता है, बेहतर अगर आप कैलकुलेशन दिखा दो तो अच्छी चीज होती है। पर तो ये आपके पास सम आ जाएगा, जितनी भी टर्म्स है ना इस पूरी सीरीज का सम क्या है, 1023 डिवाइडेड बाय 512, कुछ 2 के करीब सम आ रहा होगा इसका, 2 के करीब कोई ना कोई सम मिल रहा होगा आपको, पॉइंट में देख लेना क्या आंसर आ रहा है। तो शुरू में जो 3 पार्ट है उनका मेथड यही होगा कि तीनों पार्ट में लास्ट टर्म आपको गिवन है, तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज करके आसानी से सम निकाल सकते हो। अच्छा, उसके बाद जो पार्ट्स हैं, पार्ट नंबर 4, 5, 6, 7, ये हकीकत में दो ही पार्ट है जो आपने समझने हैं। दो किस्म के आते सवाल, वो मैं दोनों आपको बता देता हूं। मैं पार्ट नंबर गलत की गया, नहीं सही की गया, मैं पार्ट नंबर 6 करवा रहा हूँ, पार्ट नंबर 4 उसके अंदर कवर हो जाएगा। तो पार्ट नंबर 6 देख लो, पार्ट नंबर 6 में जो सम आपको मालूम करना है ना, सीरीज जो है वो ये गिवन है 0.2, 0.22, 0.222, और आपने n टर्म्स तक सम करना है। n टर्म्स तक सम का मतलब ये है कि अब एग्जैक्ट आपके पास सम नहीं आएगा, सम का जनरल फॉर्मूला आएगा, क्योंकि आपको n नहीं पता ना n क्या होगा, तो जो आपका सम आ रहा होगा वो n की फॉर्म में आ रहा होगा, कोई इशू नहीं। लेकिन असल चीज ये कि हम यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करें, ये ज्योमेट्रिक नहीं है। अगर आप इसमें कॉमन रेशो निकालो ना, 0.22 डिवाइडेड बाय 0.2, जो भी रेशो आ रहा होगा अपने पास लिख लेना, फिर 0.222 डिवाइडेड बाय 0.22, इसको डिवाइड करना, देखना अलग आ रहा होगा, रेशो सेम नहीं होगा यहाँ पे। तो यहां से आप अंदाजा लगा लोगे कि यार ज्योमेट्रिक नहीं है, और अगर ये ज्योमेट्रिक नहीं है तो फिर आप ये फॉर्मूला भी यूज नहीं कर सकते, ये वाला या जो दूसरा आपने पढ़ा था, आप फॉर्मूला यूज ही नहीं कर सकते। इसी तरह ये अरिथमेटिक भी नहीं है, तो ये नहीं बोला सर अरिथमेटिक वाला लगा देंगे, नहीं अरिथमेटिक भी नहीं है। तो कहने का मतलब इसका आपको सम का फॉर्मूला ही नहीं पता, क्योंकि इस सीरीज का आपको क्या पता है, सीरीज आप जानती नहीं उस बारे में, तो जनरल नोट का फॉर्मूला कैसे बनाओगे इसका। तो बेहतर है आप इसको कन्वर्ट कर लो ज्योमेट्रिक के अंदर, इस टाइप के सवाल जो है ना आप खुद ही पहचान जाओगे ज्योमेट्रिक के होते हैं, अरिथमेटिक के नहीं होते। प्रैक्टिस करोगे समझ आ जाएगी, 0.22 हो जाएगा, या तो इस टाइप भी आ सकता है या इस तरह भी हो सकता है, 0.3 + 0.33 + 0.333, इस तरह कुछ भी करके दे सकते हैं, मेथड सबका सेम ही रहेगा। हाँ, अगर पार्ट नंबर 4 आ जाए ना, वो बड़ा आसान है, उसमें 0.9 आ रहा है, क्योंकि 0.9 आ जाए ना तो फिर सॉल्यूशन थोड़ा इजी हो जाता है, मैं बताऊंगा अभी। अभी जब इसको सॉल्व कर रहे होंगे ना, देखना एक जगह 0.9 आ रहा होगा, ये बिल्कुल पार्ट 4 में कन्वर्ट हो जाएगा, दैट्स व्हाई मैं पार्ट नंबर 6 करवा रहा हूं, ताकि पार्ट 4 उसी के अंदर कवर हो जाए। तो पेपर में कोई भी सवाल आ जाए, बुक का ना आए बेशक, 0.5 + 0.55 + 0.555, सॉल्यूशन का मेथड सेम ही है, वो क्या है कि आपकी कोशिश ये होगी कि किसी तरह इसको ज्योमेट्रिक में कन्वर्ट कर दें, अभी ज्योमेट्रिक नहीं है। तो कन्वर्ट करने का तरीका यहाँ पे क्या होगा, आप यहाँ पे क्या करोगे, आप 0.2 जो है ना, इसमें से आप एक काम करो, 2 कॉमन ले लो, जब 2 कॉमन लेंगे ना तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.1, ये हो जाएगा 0.11, ये हो जाएगा 0.111। क्या करना है आपने, हर टर्म से 2 कॉमन ले लेना है, मेक सेंस कर रहा है ना। जब आप 2 को दोबारा 0.1 से करोगे 0.2 आएगा, 2 को दोबारा ऐसे करो 0.22, 2 को दोबारा ऐसे करो तो आ जाएगा। तो आपने क्या किया, आपने जितनी भी टर्म्स है ना उनमें से 2 कॉमन ले लिया, एंड टर्म लिखने की जरूरत नहीं है, ऐसे मैंने लिखा हुआ तो इम्प्लाइड है इसके अंदर, बाद में लिख देंगे। अच्छा, ये करने के बाद अभी भी ज्योमेट्रिक नहीं है, आप 0.1 और 0.1 को डिवाइड करो, या 0.333 या 0.11 जो है इसको डिवाइड करो, देखो अभी भी ज्योमेट्रिक नहीं है। अब हम क्या करेंगे, 9 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, डिवाइड वाला 9 नीचे लिख दो और मल्टीप्लाई वाले 9 से इनको मल्टीप्लाई करेंगे। तो 0.1 को 9 से मल्टीप्लाई करो 0.9, 0.11 को 9 से मल्टीप्लाई करो 0.99, इसको 9 से मल्टीप्लाई करो 0.999। ये आपका पार्ट नंबर 4 है, पार्ट नंबर 4 में ही गिवन है। अब जो इसके बाद में काम करूंगा ना, वो पार्ट 4 में आपका पहला स्टेप होगा, क्योंकि पार्ट 4 एग्जैक्ट ये चीज गिवन है। तो बाकी कोई भी आ रहा है ना, 0.3 आ रहा है, 0.33 या 0.5, 0.55, सबको आपने इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना। जब इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए, उसके बाद का मेथड क्या होगा, अभी भी ज्योमेट्रिक नहीं है, चेक करके देख लेना। आप क्या करोगे इसके बाद, आप इनको इस तरह लिखोगे, ये 0.9 जो है ना, इसको आप इस तरह लिख सकते हो 1 - 0.1, आप देखते जाओ वजह क्या होगी, बाद में समझ आएगा क्यों ऐसे लिख रहे थे। तो 0.99 है ना, इसको आप इस तरह लिख सकते हो 1 - 0.01, सब्ट्रैक्ट करके देख लो ना, खुद ही आपको नजर आ जाएगा, 1 में से जब आप 0.01 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 0.99 आ रहा होगा, चेक करके देख लेना। इसी तरीके से 0.999 को आप लिख सकते हो 1 - 0.001,
और ये पैटर्न चलता जा रहा है। अभी भी कोई आप देखो कोई खास फायदा नजर नहीं आया। अब जो स्टेप होने वाला है ना वो आपके काम का स्टेप है। वो क्या है कि आप इसको दो सीरीज में कन्वर्ट कर लो। कैसे? अगर आप ऑब्जर्व देखो यहां पे भी बना रहा है, यहां पे भी बना रहा है, यहां पे भी बना रहा है, तो एक सीरीज है आपकी बन गई, बस बन आ रहा है इसके अंदर और ये एन टर्म्स तक आता जाएगा। देखो पहली टर्म में भी एन है, दूसरी मतलब पहली में भी वन है, दूसरी टर्म में भी वन है, तीसरे में भी वन है, चौथी में वन होगा और जो एन एथ टर्म होगी उसमें भी वन होगा। इसका मतलब वन यहां पे कितनी दफा आ रहा है, एन दफा आ रहा है, तो इसको मैंने एक सीरीज बना ली। और पीछे क्या बचेगा? -0.1, -0.01, -0.001, इसमें से माइनस कॉमन ले लेते हैं। क्या बचेगा पीछे? 0.1, 0.01, 0.001 और इसको आपने एन टर्म्स तक लिखना है। अब फायदा आपको क्या हुआ? फायदा ये हुआ कि देखो एक कॉन्सेप्ट आपको बताना चाहिए कि फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलूं कि यार 2 को आपने ऐड करना है, ठीक है, कितने दफा 2 को ऐड करना है, मैं बोलूं अप टू 10 टर्म्स तक आपने ऐड करना है, मतलब 2 को आपने 10 दफा ऐड करना है, तो सिंपल इसका फॉर्मूला पहले भी बताया था मैंने, 2 को मल्टीप्लाई कर दूंगा 10 से। भाई जब 2 को आप 10 दफा ऐड करोगे इसका मतलब 2 × 10 = 20 आंसर आ रहा होगा। अगर 2 को आप 100 दफा ऐड करोगे तो 2 × 100 आंसर आ रहा होगा। इसी तरह 1 को आप कितनी दफा ऐड कर रहे हो, 1 को आप यहाँ पे n दफा ऐड कर रहे हो तो आंसर क्या होगा? 1 × n। जैसे 2 को हम 10 दफा ऐड करें तो 2 × 10 आंसर होगा, 2 को 100 दफा ऐड करें तो 2 × 100 आंसर होगा। यहाँ पे मैं 1 को n दफा ऐड कर रहा हूँ, n कुछ भी हो सकता है, 1 को मैं n दफा ऐड कर रहा हूँ तो आंसर क्या होगा? 1 × n, सिंपल लैंग्वेज में n। तो ये जो पूरी सीरीज बन रही है ना इसका सम आपको पता है, इसका सम क्या होगा? सिंपल n के बराबर होगा। इसका सम तो आपने निकाल लिया, इसमें तो आपको कोई मसला नहीं है। इस पूरी सीरीज का 1 को अगर आप n दफा ऐड करोगे तो रिजल्ट n आ रहा होगा। फॉर एग्जांपल n यहां पे 20 है तो 1 को जब आप 20 दफा ऐड करोगे तो 20 आ रहा होगा, 1 को 100 दफा ऐड करोगे तो 100 आ रहा होगा। तो इसका सम तो आपने निकाल लिया यहां पे। पीछे बची ये सीरीज और ये जो है ज्योमेट्रिक है, अगर आपने इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो ज्यादा बेहतर तरीके से आपको पता चलेगा। थोड़ी सी मैथ आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए, आप कर सकते हो। 0.1 को आप लिख सकते हो 1/10। बचपन में आपने पढ़ा था ना कि पॉइंट को हटाओ और पॉइंट के बाद जितने, मतलब ये कॉन्सेप्ट था। मैं 0.01 को कन्वर्ट करके दिखाता हूँ कि आपने पॉइंट को हटाया तो नीचे 1 आता था, अब पॉइंट के बाद जितने नंबर्स हैं उतने 0 लगा दो, तो सिंपल 0.001 को आप लिख सकते हो 1/100। ये बचपन में मेथड पढ़ा था आपने, तो 1/100 लिख दिया आपने। इसी तरह 0.001 को लिख सकते हो 1/1000 और ये पैटर्न चलता जा रहा है अप टू एन टर्म्स तक। तो अगर आप देखो इतनी मेहनत करने का फायदा ये हुआ कि अब ये जो चीज है ना, देखो इसका सम तो मैंने निकाल लिया n के बराबर है, अब सवाल में जो भी n गिवन होता वो यहाँ पे पुट कर देते हैं, ये तो मसला है। और ये जो पूरी सीरीज है ये ज्योमेट्रिक है, इसका हमें फॉर्मूला पता है, तो आसानी से आप इसका सॉल्यूशन जो है वो आप कर सकते हो। पहले ज्योमेट्रिक नहीं थी, अब ज्योमेट्रिक होगी। अगर आप इसमें देखो कॉमन रेशियो 1/10 है, आप इसको 1/10 से मल्टीप्लाई करो 1/100 आएगा, इसको 1/10 से मल्टीप्लाई करो 1/1000 आएगा। तो ये ज्योमेट्रिक है जिसका सम आप आसानी से मालूम कर सकते हो। सही, तो यहां तक कोई सवाल है पूछ लो, मैं बाकी सॉल्यूशन कर देता हूं। स्क्रीनशॉट ले लो सर। हमने 9 से मल्टीप्लाई डिवाइड क्यों किया है? यार उसकी वजह ये थी ना कि आप इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते थे, आप चाह रहे थे यहाँ पे 0.1, 0.00। फायदा क्या, फ्रैक्शन में आपको नजर आ रहा है ना कि 0.1 को क्या लिख सकते हो 1/10, 0.001 को लिख सकते हो 1/100। तो ये जो जीरो की सीरीज चल रही है ना पूरी, ये ज्योमेट्रिक बनाती है और ये उसी वक्त आ सकती है जब आप 9 की फॉर्म में ब्रेक करोगे। 9 की फॉर्म में अगर ब्रेक, जैसे फॉर एग्जाम्पल 0.2 था, 0.2 को कैसे ब्रेक करोगे आप? फॉर एग्जाम्पल 0.2 को ब्रेक करना चाह रहे हो तो आप ये लिखोगे 1 − 0.8। 0.22 को ब्रेक करोगे तो मेरे ख्याल में 1 − 0.78 आई गेस, चेक करके देख लेना। तो इस तरह करने से कोई फायदा नहीं होगा, 0.8, 0.78 और जो बाद में आ रहा होगा वो कोई ज्योमेट्रिक नहीं बना रहे, तो हम इसको इस वक्त ब्रेक नहीं कर सकते। जब हमने 9 में कन्वर्ट किया, अब जब हम ब्रेक करेंगे ना तो ये जो पूरी चीज है ये पूरी ज्योमेट्रिक बना रही होगी। और जो 1 है उसका मसला तो हमें पता है, वो तो मसला क्रिएट नहीं करेगा, 1 को जितनी दफा ऐड करो वो आंसर आ जाएगा। ये टेक्निक थी जिसके तहत हम इसको ज्योमेट्रिक में कन्वर्ट कर रहे थे। ठीक है, तो अच्छा सॉल्यूशन तो ये है कि आप एक काम करो, इसको इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं, क्योंकि हमें इस पूरी चीज का ना सम नहीं पता, हम अलग से इसका सम निकालते हैं और फिर यहाँ पे पुट करते हैं।
सो आप इनको कंसीडर, ये जो पूरी ज्योमेट्रिक सीरीज है ना इसको कंसीडर करते हैं, 1/10, 1/100, 1/1000 अप टू एन टर्म्स तक। तो इसमें ए क्या है, फर्स्ट टर्म है 1/10, कॉमन रेशो जो है वो भी 1/10 है, और नंबर ऑफ टर्म तो एन के बराबर ही है तो इसे इग्नोर कर दो। तो सम क्या हो जाएगा, सम का फॉर्मूला आर चूंकि लेस देन वन है तो मैं वही वाला फॉर्मूला यूज कर लेता हूँ, 1 - r की पावर n डिवाइडेड बाय 1 - r। तो फर्स्ट टर्म है 1/10, कॉमन रेशो है 1/10 और उसकी पावर n, ठीक है। डिवीजन में क्या है, 1 - r, r यहां पे क्या है 1/10। सॉल्व करते हैं, ऊपर आ जाएगा 1/10, ब्रैकेट को आप सिंप्लीफाई नहीं कर सकते ऐसी रहने दो, सिंप्लीफाई करने का फायदा भी कुछ नहीं होगा। डिनोमिनेटर में क्या होगा, 10 - 1 - 9, ये हो जाएगा 9/10। तो 10 से ये वाला 10 कैंसिल, सिंपल आपके पास आंसर आ जाएगा ऊपर 1 नीचे 9, तो 1/9 ब्रैकेट में है 1 - 1/10 की पावर n, ये पूरा आंसर है। जैसे आपने मालूम कर दिया इक्वेशन नंबर 1, अब ये मजीद सिंप्लीफाई हो नहीं सकता, एन आपको पता नहीं, अगर सवाल में बोला जाता कि 50 टर्म तो एन की जगह 50 पुट कर देते और पूरी चीज कैलकुलेटर में निकाल देते, लेकिन आप इसको मजीद सिंप्लीफाई कर भी लो, एन को अलग अलग कर लो, कोई फायदा होगा नहीं, तो ऐसे ही रहने दो और पुट कर दो इक्वेशन नंबर 1 के अंदर। इसको एस एन प्राइम कह देना, यार थोड़ा फर्क नजर आए कि ये जो एस एन प्राइम है ये ज्योमेट्रिक है, जबकि जो पूरा जो इसका सम है वो हमने एस एन से रिप्रेजेंट किया है। नोटेशन थोड़ा बहुत चेंज कर देना ताकि कोई एतराज ना हो किसी को। तो 2/n है, ब्रैकेट के अंदर क्या है n माइनस, ये जो पूरी ज्योमेट्रिक सीरीज है इसका आपने सम निकाल लिए तो आप पुट कर दो यहां पे, इस तरह लिख देते हैं, ठीक है। अब एक काम हो सकता है यहां पे कि अगर n आप सिंप्लीफाई करो तो ये n आपस में कैंसिल हो सकता है, एक टर्म ये है और एक टर्म ये है, तो चाहो तो थोड़ा बहुत इसको भी यहां पे सिंप्लीफाई कर लेते हैं क्योंकि फायदा नजर आ रहा है, हमें थोड़ा बेहतर फॉर्म में आ जाएगा। तो हम काम करते हैं इसको सिंप्लीफाई इस अंदाज में करते हैं कि जो n है ये 1 के ऊपर भी है और जो n है 10 के ऊपर भी, एक ही बात है, इस तरह भी आप लिख सकते हो, दोनों के ऊपर अलग अलग n लगा दो, 1 के ऊपर n हो 1 को कोई फर्क नहीं पड़ता, तो नेक्स्ट टर्म में हम इग्नोर कर देंगे, 10 की पावर n को 1 से मल्टीप्लाई करो तो एज इज आएगा, ये चीज 1 है अपॉन 10 की पावर n, तो आप इस तरह भी लिख सकते हो इस चीज को, और हम ये डायरेक्ट यहां पे पुट कर देते हैं, 10 की पावर n माइनस 1 अपॉन 10 की पावर n, ठीक। अब अगर आप देखो जो मैं कह रहा हूं सिंप्लीफिकेशन यहां पे थोड़ी बहुत आप कर सकते हो, लेकिन फायदा कुछ भी नहीं है, यहीं तक छोड़ दो, कैंसिल नहीं हो रहा यहां पे। अगर एक काम कर सकते थे, 9 को मल्टीप्लाई करते n से, माइनस करते इससे, डिवाइड में n आता, डिवाइड में 9 आता, फिर भी 9 को से मल्टीप्लाई करते 81 हो जाता, मेरे ख्याल में काफी है ना, मजीद इसको सिंप्लीफाई करके कुछ निकलेगा नहीं, कुछ कैंसिल वैंसिल हो नहीं रहा, और आई गेस बुक में भी उन्होंने यहां से लिखा होगा, तो इतनी सिंप्लीफिकेशन काफी है यहाँ पे। पार्ट नंबर 6, हाँ ये बल्कि उन्होंने तो ये भी काम नहीं किया, उन्होंने तो यहीं तक छोड़ा हुआ था, सही है, ये आप इस तरीके से सॉल्व करोगे। तो बच्चों पार्ट नंबर 4 तो ऑलरेडी कवर हो गया क्योंकि पार्ट 4 में ये चीज गिवन थी, तो पार्ट 4 में 2/9 वाली चीज नहीं होगी, ये वाली चीज होगी, इसको डील करने का तरीका आपने देख लिया, बस 2/9 नहीं होगा, यहाँ पे 2/9 था, पार्ट नंबर 4 में 2/9 नहीं होगा क्योंकि 9 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया था ना, वो करने की जरूरत ही नहीं है, ऑलरेडी 9 के फॉर्म में गिवन है। तो मैंने एक सवाल करवाया लेकिन पेपर में कुछ भी आ जाए आप तो कर सकते हो, अब अगर पेपर में ये चीज भी आ जाए ना 0.4 0.44 0.44 तो अब आपको करना आना चाहिए, जहां पे 4 कॉमन लोगे फिर वही 9 से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे फिर यही काम करोगे, तो जनरलाइज बात है आपको हर सवाल आ जाना चाहिए, सही है। अब जो पार्ट नंबर 5 और पार्ट नंबर 7 है वो एक जैसे है, उसको देख लेते हैं, कोई भी पार्ट कर लो एक ही बात है, हाँ अगर 9 अच्छा देखो पार्ट नंबर 5 और पार्ट नंबर 7 में ना जैसे 0.9 होता था इन सवालों में, यहाँ पे पॉइंट नहीं है, सिंपल लिखा हुआ 7 + 77 + 777, इसी तरह पार्ट नंबर 7 में लिखा हुआ 3 + 33 + 333, इसी तरह सवाल कुछ भी हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल 5 के साथ आ जाए 5 + 55 + 555, ये 4 के साथ भी आ सकता है, तो मेथड सबका सेम ही है, वो मेथड क्या था उसके आ जाते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल पार्ट नंबर 5 ही ट्राई कर लेते हैं, इसमें आप लोग क्या करोगे, जो नंबर लिखा हुआ उसको कॉमन ले लो, सबसे पहले 7 को कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पे बचेगा 1, यहाँ पे बचेगा 111, यहाँ पे बचेगा 111, टू एंड टर्म्स तक ये पैटर्न चलता जाएगा, जैसे पार्ट नंबर 7 है उसमें 3 कॉमन ले लेना, पहला स्टेप तो ये होगा। दूसरा स्टेप क्या होगा, 9 से मल्टीप्लाई डिवाइड करो,
डिवाइड वाला नाइन नीचे, मल्टीप्लाई वाला नाइन मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा नाइन, नाइन को इलेवन से करो 99, इससे करो तो 999 डॉट 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 टू एंट्रम्स। अब अगर पेपर में ये सवाल आता है ना कि 9 प्लस 99 प्लस 999, तो उसमें आपने यहां से इसके आगे जो काम है वो करना है। 9 जब आता है ना तो सिंप्लीफिकेशन थोड़ी आसान हो जाती है आपकी, ठीक है। अगर कोई और आता है तो आप उसको कन्वर्ट करते हो पहले 9 के अंदर, वंस 9 के अंदर कन्वर्ट हो जाए, अब वही मेथड करना है आपने। क्या मेथड होगा यहाँ पे कि आप इसको ब्रेक करोगे, कैसे, क्या आप इसको लिख सकते हो, 9 को आप लिख सकते हो 10 माइनस 1, अच्छा 99 को आप लिख सकते हो 100 माइनस 1, 999 को लिख सकते हो 1000 माइनस 1, और ये पैटर्न चलता जा रहा है टू एंड टर्म्स तक। अब यहां पे क्या फायदा हो रहा है, देखो हर टर्म में 1 आ रहा है, माइनस 1 आ रहा है ना, तो माइनस कॉमन ले लेंगे 1 बन जाएगा वो, और क्या आ रहा है 10 100 1000, ये ज्योमेट्रिक सीरीज बन रही है पूरी। अच्छा ये ज्योमेट्रिक नहीं थी, आप रेशो निकाल के देख लेना ज्योमेट्रिक नहीं है, कॉमन लेने के बाद अभी भी देख लेना ज्योमेट्रिक नहीं है। तो अब जब इस फॉर्म में आपने कन्वर्ट कर लिया, अब आप इसको थोड़ा अलग कर दो और इस तरह लिखो, आप लिखो सबसे पहले 10, फिर 100, फिर 1000, और कितनी टर्म्स तक जाना है आपने, n टर्म्स तक जाना है। ये जो है ज्योमेट्रिक है, कॉमन रेशियो यहां पे 10 के बराबर है, आप 10 से मल्टीप्लाई करते जा रहे हो हर टर्म को, तो ज्योमेट्रिक है इसका सम आसानी से मालूम कर लेंगे। जहां तक बात माइनस वन माइनस वन माइनस वन, ये n दफा आएगा, तो पहली बार माइनस कॉमन ले लो यहां से, तो हो जाएगा 1 + 1 + 1, और ये कितनी दफा आपने ऐड करना है, n टर्म्स तक आपने इसको ऐड करना है। अगेन वही चीज है जो पूरी चीज है, 1 को अगर आप n दफा ऐड करोगे तो रिजल्ट में n आ जाएगा, तो यहां पे आप n लिख सकते हो, एक स्टेप आप लोग करना और यहां पे n लिख लेना माइनस n, ये स्टेप आप लोग कर लेना, इसको इक्वेशन नंबर 1 में क्या है। ये ब्रैकेट ऐसी रहेगी, 7/9 जो है ये ऐसी रहेगा, इस तरह लिख देते हैं, यस जाएगा। बस नेक्स्ट स्टेप में क्या करना, इस पूरी चीज की जगह आप n लिख देना। अब मसला वही है कि ज्योमेट्रिक है, इसका पहले आप सम मालूम करोगे ज्योमेट्रिक से, तो आप यहां पे कंसीडर कर लो ज्योमेट्रिक सीरीज, तो हम कंसीडर करते हैं ज्योमेट्रिक सीरीज 10 प्लस 100 प्लस 1000 अप टू हमने n टर्म्स तक जाना है। इसमें फर्स्ट टर्म जो है वो 10 है, कॉमन रेशियो भी इसमें 10 है, सम का फॉर्मूला क्या यूज करोगे, ये वाला, क्योंकि r इसमें ग्रेटर देन 1 है, पुट कर दो वैल्यूज, नीचे क्या हो जाएगा 10 माइनस 1 मतलब 9 हो जाएगा, तो जो एस एन प्राइम है ना ये किसके बराबर हो जाएगा 10/9 ब्रैकेट में 10 की पावर n माइनस 1, ये आपने सम मालूम कर लिया। अब आप पुट कर दो इक्वेशन नंबर 1 में, ये जो पूरी ज्योमेट्रिक सीरीज थी इसका सम आपने मालूम कर लिया, बराबर है 10/9 10 की पावर n माइनस 1 के, दरमियान में था माइनस और इन चीज का सम तो n के बराबर था, तो ये n हो गया, That's it, ये आपके पास फाइनल आंसर आ गया। अब अगर मजीद सिंप्लीफाई करने का फायदा कुछ नहीं होगा, कुछ नई चीज आप कर नहीं पाओगे, कुछ कैंसिल नहीं कर पाओगे, तो इतना ही आपका आंसर है, बिल्कुल ठीक है। बिलफर्ज अगर पेपर में सवाल आ जाए और बोला जाए 250 टर्म्स, अब लकीर के फकीर नहीं बनना ना, फॉर एग्जाम्पल यही सवाल आ रहा है, बोला 50 टर्म तक ऐड करो, तो अभी फिलहाल आप ऐड नहीं कर पाओगे 50 टर्म तक, फिलहाल आप ऐड नहीं कर सकते, आप क्या करना है यही काम करना है, यही काम करना है, ये करना, बट यहाँ पे आप आ जाए, तो ये पूरी चीज अप टू 50 टर्म्स, इसी तरह 1 को भी आपने ऐड करना है अप टू 50 टर्म्स, तो 1 को 50 दफा ऐड करोगे तो आंसर तो 50 आ जाएगा, इसका मसला नहीं है। इस पूरी ज्योमेट्रिक सीरीज को आपने 50 टर्म तक ऐड करना है, तो ये फॉर्मूला यूज करना, एन की जगह बस यहाँ पे 50 पुट कर देना, तो आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा, जो यहाँ पे आंसर आएगा यहाँ पे पुट करना, उसको माइनस करना 50 से और मल्टीप्लाई कर देना 7/9 से, दैट्स इट। मैं 7/9 लिखना भूल गया, तो आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये 7/9 अपनी जगह पे था, ब्रैकेट में ज्योमेट्रिक सीरीज का सम पुट कर दिया, दरमियान में माइनस एन, ये आपके पास फाइनल सम आ जाएगा। तो इस तरीके से अगर एन की कोई वैल्यू भी आपको दे दें तो ये मत घबराना नहीं कि यार सवाल में तो हमने नहीं किया था अब क्या करें, तो सिंपल सा प्रोसेस है, पूरा सवाल ऐसी रहेगा, यहाँ पे 50 आ जाएगा और इधर एन की जगह 50 पुट करना, तो आपके पास फाइनल आंसर आ रहा होगा, या बेशक यहाँ पे ना पुट करना, इधर भी एन की जगह 50 ना पुट करना, यहाँ तक सॉल्व कर लेना, उसके बोलना फॉर एन इज इक्वल टू 50, अब पुट कर देना 50, बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ फाइंड द सम टू एन टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग सीरीज। अच्छा पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों पे आपको सेम ही किस्म का काम करना है, मैं पार्ट नंबर 2 करवा रहा हूं क्योंकि इसमें थोड़ा और एक्स्ट्रा काम करना है, पार्ट नंबर 1 में वो काम नहीं होगा, देख लेते हैं क्या करना है इसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 2
का पार्ट नंबर टू, आपको सीरीज की बजाय आपको उसका सम मालूम करना है। सीरीज क्या है? आर प्लस वन प्लस के मल्टीप्लाई आर स्क्वायर, वन प्लस के स्क्वायर मल्टीप्लाई, ये आर क्यूब होना चाहिए यहाँ पे, ये आर क्यूब कर लेना, आर स्क्वायर लिखा है ना, आर क्यूब कर लेना, और ये पैटर्न चलता जा रहा है अप टू एंड टर्म्स तक, आपने इसको सम करना है, सवाल में लिखा हुआ था सम टू एंड टर्म्स। अब जरा देखो क्या करें यहाँ पे, देखो अभी अगर आप ऑब्जर्व करो ना ज्योमेट्रिक है, कोई भी नहीं है, आप इन दोनों को डिवाइड करो और आप इन दोनों को डिवाइड करो, आपको खुद पता चल जाएगा यार मैच नहीं कर रही है चीज, रेशो जो है बराबर नहीं आ रहा, ज्योमेट्रिक नहीं है। अभी ज्योमेट्रिक बनाने के लिए आपको मेहनत करनी है, और ये मेहनत आपने बाकी जो पार्ट नंबर वन है ना उसके ऊपर भी करनी होगी। क्या करना है यहाँ पे सॉल्व करने के लिए इसको, सिंपल आपको हिट ये मिलेगी यहाँ पे कि ये फॉर्मूला कंप्लीट कर लो आप। यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा कंप्लीट कर लो, वन माइनस के यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, इधर भी वन माइनस के मल्टीप्लाई कर दो, तो फॉर्मूला आपके पास कंप्लीट हो जाएगा। वो क्या फॉर्मूला है आपको खुद ही पता चल जाएगा। आप क्या करो, वन माइनस के से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, डिवाइड वाला वन माइनस के नीचे रखो और मल्टीप्लाई वाला जो है उसको हर टर्म से मल्टीप्लाई कर दो, तो आर से मल्टीप्लाई हो जाएगा वन माइनस के, इससे मल्टीप्लाई कर दो वन माइनस के, ठीक है, इससे मल्टीप्लाई कर दो वन माइनस के, ठीक है, और चीज जल्दी जा रही है अप टू एंड टर्म्स तक जाना आपने। अच्छा, इस चीज का फायदा क्या हुआ आपको, फायदा ये हुआ, इसको तो फिलहाल ऐसी रहने दो, ये जो चीज है ये क्या बन सकती है, इसको आप कह सकते हो वन माइनस के स्क्वायर, मतलब इस पर फॉर्मूला लगा सकते हो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ए माइनस बी ए प्लस बी, ये बराबर हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वन का स्क्वायर वन ही होता है, के का स्क्वायर के स्क्वायर। अच्छा, अब इधर कौन सा फॉर्मूला बना, ये फॉर्मूला होता था ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, जाके देख लेना, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का ये फॉर्मूला होता था, तो ए यहाँ पे वन है, वन का क्यूब वन ही होगा, बी यहाँ पे के है, के का क्यूब के क्यूब होगा। तो अगर आप देखो पूरा पैटर्न बनता जा रहा है, पैटर्न क्या है यहाँ पे, यहाँ पे वन माइनस के आएगा उसके साथ आर, यहाँ पे वन माइनस के स्क्वायर उसके साथ आर स्क्वायर, यहाँ पे वन माइनस के क्यूब उसके साथ आर क्यूब। और ये करने से आपको फायदा क्या है, अभी आपको नजर नहीं आ रहा होगा, मजीद सिंप्लीफाई करते हैं इसको, ये आर से मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा आर, आर को कैसे करो आर के, इसी तरह आर स्क्वायर को वन से करो आर स्क्वायर, आर स्क्वायर को के से करो तो आर स्क्वायर के स्क्वायर, इसी तरह आर क्यूब को वन से मल्टीप्लाई करो आर क्यूब को इससे करो तो आर क्यूब के क्यूब। और ये पैटर्न आपने क्या करना है एंट्रम्स तक, अभी भी कोई खास फर्क नजर नहीं आया, इसके बाद नजर आ जाएगा। अगर आप देखो एक आर की पूरी ज्योमेट्रिक सीरीज चल रही है, क्या आर, इसी तरह आर स्क्वायर, इसी तरह आर क्यूब, ये एन टर्म्स तक जाएगा, तो ये ज्योमेट्रिक है, इस पे आते हैं बाद में। पीछे क्या बचा, माइनस माइनस माइनस, तो पहले माइनस फॉर्मूला ले लेते हैं, ये है आर के, ये है आर स्क्वायर के स्क्वायर, ये है आर क्यूब के क्यूब, और आपने ये चीज जो है ये एन टर्म्स तक लेके जानी है। ये दोनों ज्योमेट्रिक है, ये जो ज्योमेट्रिक है इसका कॉमन रेशो आर है, आप देखो हर टर्म को आर से मल्टीप्लाई करते जा रहे हो, और ये जो ज्योमेट्रिक है इसका कॉमन रेशो है आर के, आप इसको आर के से मल्टीप्लाई करो तो आर स्क्वायर के स्क्वायर आ जाएगा, इसको आर के से मल्टीप्लाई करो आर क्यूब के क्यूब आ जाएगा, तो इसका कॉमन रेशो जो है वो आर के बराबर। तो अब ये दोनों ज्योमेट्रिक के अंदर कन्वर्ट हो गई है, अब आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हो यहाँ पे, ठीक है, तो चाहो तो आप इसको वन कह दो, डायरेक्ट भी आप फॉर्मूला पुट कर सकते हो, डिपेंड करता है आपकी कैलकुलेशन कैसे है, आप डायरेक्ट फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे, बल्कि मैं डायरेक्ट करके दिखा देता हूँ। पहले आपने दूसरा तरीका देखा था ना, दूसरा तरीका क्या है कि आप इसको अलग से कंसीडर करो, इसका सम मालूम करो, इसको अलग से कंसीडर करो, इसका सम मालूम करो, और फिर यहाँ पे पुट कर दो, ये भी अलाउड है आपको, और कैलकुलेशन अगर आपके अच्छे तो डायरेक्ट भी आप पुट कर सकते हो, बस मेंशन कर दो, उसमें आपको वन बोलने की जरूरत नहीं है, इसको लिख दो कि सिंस बोथ सीरीज आर ज्योमेट्रिक, दोनों सीरीज जो है वो ज्योमेट्रिक है, और ज्योमेट्रिक सीरीज का सम का फॉर्मूला क्या होता है, ए आर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन, ठीक है। अच्छा, इन्होंने सवाल में ना कुछ चीज बोली होगी यहाँ पे, जो कि सॉल्यूशन का फर्क नहीं पड़ेगा, के और आर जो है ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, प्रॉपर फ्रैक्शन वो होती है जिसका डिनोमिनेटर जो है, प्रॉपर फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन होती है जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होता है और न्यूमरेटर उसका छोटा होता है, जैसे 1 अपॉन 3, जैसे 1 अपॉन 4, जैसे 2 अपॉन 5, ये सब प्रॉपर फ्रैक्शन है, इनका डिनोमिनेटर बड़ा है न्यूमरेटर छोटा है। तो ये वो क्यों बता रहे हैं आपको, मतलब क्या मक्खी है ये आपको क्यों बता रहे हैं, उन्होंने क्यों आपको फालतू की इन्फॉर्मेशन दी है कि आर जो है वो यहाँ पे प्रॉपर फ्रैक्शन, वो इसलिए
कि ये वाली जो मैट्रिक सीरीज है इसका कॉमन रेशियो आर के बराबर है, और उन्होंने बोला आर जो है वो प्रॉपर फ्रैक्शन है। प्रॉपर फ्रैक्शन को अगर डेसिमल में कन्वर्ट करोगे तो वन से कम ही आएगा ना भाई, सब चीज का आंसर वन से ग्रेटर तो नहीं हो सकता। तो बताना आपको ये चाह रहे हैं कि जहां पे जो कॉमन रेशियो है ना वो लेस देन वन है, तो आप ये वाला फॉर्मुला नहीं यूज करना, आप ये वाला यूज कर लेना, फर्क कुछ नहीं पड़ेगा। लेकिन देखो जो बुक ने मेथड डिस्कस किया है उसी को फॉलो करो तो गलती निकाल सकते हैं। सेम अगर आप इसकी बात करो तो यहाँ पे कॉमन रेशियो क्या है, आर के बराबर, ये कॉमन रेशियो है ना यहाँ पे। अब सवाल में बोला था कि आर भी प्रॉपर है के भी प्रॉपर है, जब दो प्रॉपर फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट भी प्रॉपर ही आएगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल इन दो को अगर मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट में भी आपके पास प्रॉपर ही आएगी ना, सिंप्लीफाई कर लेना वन अपॉन टेन हो जाएगा। तो दो प्रॉपर फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करेंगे रिजल्ट में भी प्रॉपर आएगी, इसका मतलब आर के जो है वो भी लेस देन वन है। तो दैट्स व्हाई इसके लिए भी जो आप फॉर्मुला यूज करोगे वो ये वाला फॉर्मुला यूज करोगे। तो ये जो आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी है ना पार्ट नंबर वन भी उन्होंने दी है, वो यहाँ पे आप इस्तेमाल करोगे इस इन्फॉर्मेशन को, ठीक है। अब ब्रैकेट में लिख देना सेंस आर इज लेस देन वन और आर के जो है वो भी लेस देन वन है, चाहो तो लिख देना कि आर प्रॉपर फ्रैक्शन है आर और के भी प्रॉपर फ्रैक्शन है, दैट्स व्हाई आर और आर के लेस देन वन है। डिटेल में चाहो तो बताते रहो जितना बताना है, लेकिन मिनिमम इतना आपने बता दिया कि हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। अब आप डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करके दिखा दो। ये वन अपॉन वन माइनस की अपनी जगह पे, अच्छा फॉर्मूला अप्लाई करो। फॉर्मूला क्या कहता है, फर्स्ट टर्म यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या है आर के बराबर, तो आपने आर पुट कर दिया। फिर फॉर्मूला कहता है वन माइनस आर की पावर एन, आर क्या होता था कॉमन रेशो, कॉमन रेशो यहाँ पे आर के बराबर ही है तो ये आर की पावर एन ही रहेगा यहाँ पे, डिवाइडेड बाय वन माइनस आर, वन माइनस आर दरमियान में नेगेटिव। इसी तरीके से अब इस ज्योमेट्रिक सीरीज पे सम का फॉर्मूला लगा, अगेन फर्स्ट टर्म क्या है यहाँ पे, यहाँ पे फर्स्ट टर्म आर के बराबर है तो आर के आ जाएगा यहाँ पे, ब्रैकेट में है वन माइनस आर एन वन माइनस, अच्छा यहाँ पे कॉमन रेशो क्या है, यहाँ पे कॉमन रेशो आर के बराबर है तो ये हो जाएगा आर की पावर एन के की पावर एन, मतलब कॉमन रेशो की पावर एन करनी होती है ना, तो कॉमन रेशो यहाँ पे आर के है तो आर के की पावर एन करोगे तो आर की पावर एन के की पावर एन हो जाएगा, और डिनोमिनेटर में क्या वन माइनस आर, ये आपने फॉर्मूला अप्लाई किया। अब अगर आप यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन करो, अगर बिलफर्ज आप 1 माइनस आर एलसीएम ले लेते हो यहाँ पे तो अंदर कुछ कैंसिलेशन होगी नहीं, हाँ अंदर कुछ कैंसिलेशन होगी नहीं, जरा कॉमन ले लोगे, कुछ लगता नहीं है मुझे कैसे कैलकुलेशन हो, और बुक ने भी यही आंसर लिखा होगा इसका, टू का पार्ट नंबर टू। पेपर में भी आपने वहां तक करना होता है जहां तक आपको लगे कि मैं इसको सिंप्लीफाई कर सकता हूँ, सिंप्लीफाई का मतलब कुछ कैंसिलेशन यहाँ पे हो जाए, हाँ यही तक छोड़ा हुआ उन्होंने, आर कॉमन लिया बस उन्होंने, ये सिंप्लीफिकेशन हो सकती है कि इस वाली टर्म में भी आर नजर आ रहा है इसमें भी आर नजर आ रहा है तो आप आर कॉमन ले लो, तो ये आर जो है बाहर आ जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा वन माइनस आर एन अपॉन वन माइनस आर, जब आर कॉमन ले लिया तो यहाँ पे होगा के मल्टीप्लाई आर एन के एन अपॉन वन माइनस आर, ये हो जाएगा, ठीक है। बाकी अगर आप सिंप्लीफिकेशन करो तो कोई चीज कैंसिल नहीं होगी, के मतलब कोई कैंसिलेशन हो नहीं रहा होगा यहाँ पे, तो दैट्स व्हाई यहाँ तक लिख दो काफी है, ये आपके पास सवाल देगा। यही काम आपने पार्ट वन में भी करना, मैं आपको बता देता हूँ पार्ट वन में क्या होगा। पार्ट वन में ना बच्चों ये आर वाली चीज नहीं है, आपके पास क्या लिखा हुआ है वन प्लस ए प्लस बी प्लस ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे आप बताया करना ए माइनस बी से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देना, जब आप ए माइनस बी से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो ये सिचुएशन होगी, डिवाइड वाला a माइनस बी बाहर मल्टीप्लाई वाला कर देना, तो पहली टर्म हो जाएगी a माइनस बी, दूसरी टर्म जो है ना a प्लस बी उसको जब मल्टीप्लाई करोगे a माइनस बी से तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तीसरी टर्म थी a स्क्वायर प्लस ab प्लस बी स्क्वायर, इसको जब a माइनस बी से करोगे तो अगेन a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला बन जाएगा, तो इससे अगली टर्म होगी a क्यूब माइनस बी क्यूब, और ये पैटर्न पूरा चलता जाएगा। तो बस आपने क्या करना है सेपरेट कर लेना है किसको a ए स्क्वायर ए क्यू इनको सेपरेट कर लो, इनको एन टर्म तक लिखना है, दरमियान में माइनस कॉमन ले लो बी फिर बी स्क्वायर फिर बी क्यू इसको आपने अलग कर लेना, दोनों ज्योमेट्रिक हैं इसमें जो कॉमन रेशो है वो ए के बराबर है, ए से आप मल्टीप्लाई करते जा रहे हो और इसमें कॉमन रेशो बी के बराबर है, और सवाल में लिखा हुआ है कि ए और बी जो है वो ग्रेटर देन वन है, मतलब
ए और बी अगर ग्रेटर देन वन है, इसका मतलब आप फॉर्मुला कौन सा यूज करोगे, आर की पावर एन माइनस वन डिवाइड बाई आर माइनस वन, क्योंकि ए यहाँ पे कॉमन रेशियो है ना जो कि वन से ग्रेटर है, और बी भी कॉमन रेशियो वो भी वन से ग्रेटर है, तो अब ये वाला फॉर्मुला यूज करोगे। तो इस तरीके से आपका सवाल हो जाएगा, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर थ्री जो है ये भी आप लोग ट्राई करोगे, बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है, देख लो इसको। क्वेश्चन लिखा हुआ है आपके जनरल टर्म दी गया है, ये पार्ट नंबर टू है इसी क्वेश्चन का, सॉरी पार्ट नंबर वन। और अब है क्वेश्चन नंबर थ्री, क्वेश्चन नंबर थ्री में जनरल टर्म आपको दी गई है वन अपॉन फोर की पावर एन, बोला है देन फाइंड इट्स सम अप टू एन टर्म्स। सबसे पहली बात ये है कौन सी, ये ज्योमेट्रिक है, आपको यहाँ पे सम का फॉर्मूला निकालना है, ये जनरल टर्म गिवन है ना, आपको सम की जनरल टर्म निकालनी है। तो एक तो बहुत आसान तरीका है, आप एन की वैल्यू पुट करो, आप एन की वैल्यू वन पुट करो तो पहली टर्म आ जाएगी, एन की जगह टू पुट करो दूसरी टर्म आ जाएगी, एन की जगह थ्री पुट करो तीसरी टर्म आ जाएगी। तो जो तीन टर्म्स आएंगी आपको फर्स्ट टर्म भी मिल जाएगी वहां से, आपको ये भी पता चल जाएगा कि ज्योमेट्रिक है, क्योंकि जब आप दो रेशो निकालोगे तो वो बराबर आएंगे, तीन टर्म से आप आसानी से बता सकते हो कि वो ज्योमेट्रिक है। तो कॉमन रेशियो भी आ जाएगा, फर्स्ट टर्म भी आ जाएगी, आप सम का फॉर्मूला यूज करोगे, ए और आर की वैल्यू पुट करना, आपके पास सम का फॉर्मूला आ जाएगा। एक तरीका तो इसका ही है कि आप इस तरीके सॉल्व कर सकते हो, मतलब ए और आर की वैल्यू आपने कैसे निकाली, एन की वैल्यू पुट करके आपने ए और आर यहां पर निकाला। दूसरा तरीका क्या है कि आप एन की वैल्यू पुट किए बगैर भी ए और आर निकाल सकते हो, कैसे, आप इसको ज्योमेट्रिक का जनरल टर्म का फॉर्मूला था ना जिसमें एन माइनस वन आता था, इसको उस फॉर्म में कन्वर्ट कर लो। कैसे कन्वर्ट करोगे, जो 1 अपॉन 4 की पावर n है, मैं इसको इस तरह लिख सकता हूं 1 अपॉन 4 की पावर n माइनस 1। अब देखो अपनी तरफ से मैंने माइनस 1 पावर लगाई है, तो कंपनसेट करने के लिए यहां पे मैं अपनी तरफ से 1 अपॉन 4 ले रहा हूं, क्योंकि देखो यहां पे 1 अपॉन 4 की पावर 1 है, यहां पे माइनस 1, बेसिस सेम है, पावर ऐड करो दोबारा ये चीज आ जाएगी। तो अगर आप इस फॉर्मूले को देखो ना, ये पूरा फॉर्मूला है जो जनरल टर्म का फॉर्मूला होता है जीपी का, जो ये होता था फॉर्मूला ए आर की पावर एन माइनस वन। आप देखो एग्जैक्ट वही है जिसमें फर्स्ट टर्म होती है जो एन माइनस वन टर्म के साथ लिखी हुई है, वो ए होता है ना, तो ए यहाँ पे वन अपॉइंट फोर है, और आर क्या होता था एन माइनस वन के नीचे, एन माइनस वन के नीचे क्या लिखा है वन अपॉइंट फोर। तो अगर आप एक स्टेप में इसको इस फॉर्म में इसमें कन्वर्ट कर लो ना, तो डायरेक्ट आपके पास ए और आर आ सकते हैं, ए यहाँ पे वन अपॉइंट फोर, आर भी यहाँ पे वन अपॉइंट फोर। या दूसरा तरीका क्या है कि आप एन की तीन वैल्यूज पुट करो, या दो वैल्यूज पे भी आप निकाल सकते हो, अगर आपको यकीन है कि ज्योमेट्रिक है तो एन की दो वैल्यूज पुट करो, फर्स्ट टर्म भी आ जाएगी, उन दोनों को डिवाइड करना कॉमन रेशियो भी आ जाएगा, फिर सम का फॉर्मूला लगा देना। इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर थ्री को करोगे। यहाँ वन माइनस के आर आएगा, वन माइनस के आर, हाँ सही, हाँ सही आंसर है, कॉमन रेशियो यहाँ पे आर के था ना, हाँ सही।